नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फ़ोन की मेमोरी से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाला हूं। जनरली हम व्हाट्सएप के थ्रू किसी को इमेज या वीडियो सेंड करते हैं, तो ये इमेज और वीडियो हमारे सेंडिंग ऑप्शन में रहते हैं और टाइमली मोबाइल की मेमोरी को एक्यूपाई करते जाते हैं, जिससे हमारे मोबाइल में मेमोरी शॉर्ट होने लगती है। तो इनको हम कैसे हटा सकते हैं और वो मेमोरी की हम कैसे वापस रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरा ये फ़ोन है Asus Zenfone 3, इसमें आपको इसका सेटिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा। सेटिंग ऑप्शन में स्टोरेज एंड मेमोरी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 852 MB अवेलेबल है। इसके बाद हम इंटरनल मेमोरी में जाएंगे। इंटरनल मेमोरी में ये फाइल ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन में नीचे में है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को खोलेंगे। इसमें मीडिया में जाएंगे, मीडिया के बाद हम जाएंगे वीडियो ऑप्शन में और इसमें यहाँ पर ये सेंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सेंडिंग वीडियो है जो मेमोरी को एक्यूपाई करके रखें। तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो रहे हैं, डिलीट हो गया। इस प्रकार हमको जाना है फोटोज़ में, ये फोटोज़ में सेंड ऑप्शन में जाना है और ये यहाँ पर है, तो इसमें सेलेक्ट ऑल करना है और उसके बाद इसको भी डिलीट कर देना है। डिलीट हो रहे हैं, और थोड़ा टाइम ले रहा है। काफ़ी इमेजेस थी 295। बाद आप देखेंगे सेंडिंग ऑप्शन खाली हो गया है इमेज का। उसके बाद हम बैक वापस आते हैं और मेमोरी को चेक करते हैं। देखिए मेमोरी 1.02 GB अवेलेबल हो गई है, जो कि हमारी सेंडिंग इमेज और वीडियोस ने एक्यूपाई करके रखा था। इस प्रकार हम अपना फ़ोन की मेमोरी को रिकवर कर सकते हैं।